ओके, सो टुडे वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट वन लेक्चर, दैट इज ऑन द मॉलिक्यूलर कोलिजन. ठीक है, मॉलिक्यूलर कोलिजन. इस टॉपिक में हम जो बातें डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर कोलिजन होती क्या है, टाइप्स देखेंगे उनकी, देन वी टॉक अबाउट द मॉलिक्यूलर नंबर, मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी एंड मीन फ्री पाथ. ये वो तमाम चीजें हैं जो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द मॉलिक्यूलर कोलिजन. मॉलिक्यूलर कोलिजन होती क्या है? एज यू नो दैट अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, द मॉलिक्यूल इन अ गैस आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन विद वेरियस स्पीड. ठीक है, बट वन द टू मॉलिक्यूल मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर दे कोलाइड. एज दे कोलाइड दे सफर अ चेंज इन व्हाट चेंज इन द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेलोसिटी, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कुलेयन. तो कुलेयन हमारे पास क्या है कि व्हेन द टू मॉलिक्यूल दैट आर रिलेटिवली मूविंग टू ईच अदर दे विल कोलाइड विद ईच अदर, दे विल कोलाइड ईच अदर एंड आफ्टर कुलेयन व्हाट हैपन, देयर इज द चेंज इन द डायरेक्शन एज वेल एज द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेलोसिटीज. मैग्नीट्यूड मीन विद डायरेक्शन, दिस प्रोसेस इज नोन एज कुलेयन. हाउ यू डिफाइन द मॉलिक्यूलर कोलिजन? मॉलिक्यूलर कोलिजन मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अप्रोचिंग मॉलिक्यूल टेक प्लेस. कि दो मॉलिक्यूल व्हेन दे आर अप्रोच टू ईच अदर दे विल कोलाइड एंड दे विल चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ द मोशन, दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर कोलिजन. एंड द टाइम फॉर विच टू मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्टेक्ट, और वो टाइम जहाँ पे दो मॉलिक्यूल आपस में कॉन्टेक्ट करेंगे, कोलाइड करेंगे, व्हाट यू कॉल्ड इट? यू कॉल्ड इट द कंप्रेशन टाइम. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द टाइप ऑफ द मॉलिक्यूलर कोलोइन. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर कोलोइन: ग्लांसिंग कोलोइन, हेड ऑन कोलोइन एंड द राइट एंगल कोलोइन. एज यू कैन सी हेयर देयर इज अ डायग्राम. दिस वन इज द फर्स्ट वन. एट द लेफ्ट साइड देयर इज द ग्लांसिंग कोलोइन. You can see both molecules are parallel to each other and after collision they still are in parallel position. In case of second one, head-on collision, what happens after colliding? They collide in reverse direction. One molecule will move in this direction and other molecule will move in the opposite direction. While in the third one case, when two molecules are collide with each other, they will collide and after collision they will move at the right angle. ठीक है, they will move. For example, देखें यहां से collision हो रही है, this one is the right angle. That's why it is known as the right angle collision. So there are three types of molecular collision. One is the glancing collision, head-on collision, and the third one is the right angle collision. Now let's we take a details. Of the collision. In glancing collision, what happened? The molecule move parallel to each other with average speed, that is the v, but their relative speed of molecule is very small, that will equal to the zero. तो यहाँ पे क्या होता है, जब collision के बाद दो molecule आपस में, पहले जो उनकी speed होती है वो v होती है, both molecule v speed के साथ move करते हैं. After collision क्या होते हैं, उनकी जो स्पीड होती है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है. जीरो होती नहीं है, इट्स नॉट द ट्रू जीरो, बट रिलेटिवली जीरो के बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है. एंड दे विल मूव इन पैरेलल पोजीशन. दिस इज नोन एज ग्लांसिंग कोलिजन एंड दिस पॉसिबिलिटी इज वेरी वेरी मच लो. सेकेंड टाइप है हेड ऑन कोलिजन. इन हेड ऑन कोलिजन द अप्रोचिंग मॉलिक्यूल रिट्रेस द स्ट्रेट लाइन पाथ एंड इन रिवर्स डायरेक्शन. You can see here after collision one molecule move in this one direction and other molecule will move in opposite direction. And here the relative velocity. Relative velocity. Relative का जब भी word relative आता है ना, इसका मतलब होता है कि हम उनकी velocities को compare कर रहे हैं. ठीक है, relative velocity. Velocity खाली है तो एक molecule की velocity है. Relative velocity की बात कर रहे हैं तो इन दोनों molecules की velocity को compare कर रहे हैं. तो पहले केस में ग्लांसिंग में जो रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास जीरो होती है, दूसरे केस में वेलोसिटी हमारे पास क्या है, टू वी. टू वी क्यों है? क्योंकि दोनों की वेलोसिटीज आपस में एडअप हुई है. नाउ द थर्ड वन इज द राइट एंगल वेलोसिटी. ठीक है, तो जो राइट एंगल वेलोसिटी है, हाउ यू डिफाइन द राइट एंगल वेलोसिटी?
राइट एंगल वेलोसिटी इज बेसिकली इज द वेलोसिटी इन विच आफ्टर कोलिजन अ राइट एंगल कोलिजन एंड अप्रोचिंग मॉलिक्यूल मूव एट द राइट एंगल टू ईच अदर एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन एंड देयर रिलेटिव स्पीड विल इक्वल टू द अंडर रूट टू वी। यहाँ पे जो अंडर रूट है ना ये सिर्फ टू के ऊपर है, वी के ऊपर नहीं है। तो ये यहाँ पे जोनसी एमसीक्यूज के हवाले से एक इम्पोर्टेंट बात है। अगर हमारे पास ग्लांसिंग कोलिजन है तो रिलेटिव स्पीड जीरो होगी, ठीक है। मॉलिक्यूल मूव आफ्टर कोलिजन पैरेलल मूव करेंगे। हेड ऑन कोलिजन में आफ्टर कोलिजन मॉलिक्यूल डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, उस वक्त उनकी रिलेटिव स्पीड टू वी हो जाएगी। लेकिन राइट एंगल कोलिजन में क्या होगा, मॉलिक्यूल आपस कोलिजन करने के बाद राइट एंगल्स की तरफ मूव करेंगे और एट दैट टाइम जो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी दैट विल इज इक्वल टू द अंडर रूट टू वी। So as a result of molecular collision, change in the direction of the movement and the redistribution of energy take place without any loss in their total energy. Such collision between molecule or the molecule between the walls of the vessel, there is no net loss or gain of energy, you term as elastic collision. But when the collision between two bodies and there is a loss of kinetic energy of the colliding pair, such collision is called इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। यहाँ तक तो हमें पता चल गया इलास्टिक कोलिजन क्या है, देन देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। इनइलास्टिक कोलिजन क्या है, देन देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, सही है। चले अब यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताएं जो हम लोग डेली लाइफ में गैसेस ट्रीट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लेबोरेटरीज में हमारे पास अमोनिया गैस होती है या कोई भी गैस है जिसको हम डील करते हैं, उनके भी गैस मॉलिक्यूल हैं और हम कह रहे हैं कि गैस मॉलिक्यूल आपस में रैंडमली कोलाइड करती हैं और कोलिजन होती है। तो वो जो डेली लाइफ की गैसेस हैं जो हम यूज करते हैं उनके अंदर कौन सी कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन होती है या इनइलास्टिक कोलिजन होती है? इनइलास्टिक कोलिजन होती है। इनइलास्टिक कोलिजन होती है, क्यों इनइलास्टिक होती है, अरे क्या रीजन है इलास्टिक क्यों नहीं होती? मैम क्योंकि इसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो जाती है उनकी। नहीं वो तो डेफिनेटली होती है, मतलब ऐसा क्यों है कि क्यों होती है, होती तो है डेफिनेटली होती है, इसीलिए हम उसको इनइलास्टिक कह रहे हैं, लेकिन होती क्यों है? मैम ये चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है इनके दरमियान। नहीं ओके इट्स ओके आई विल आंसर। देखें अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस के, वो कहता है कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान में कोलिजन होती है और परफेक्टली इलास्टिक है। एंड यू नो दैट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द आइडियल गैसेस, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द रियल गैसेस। When we are working on the real gases, ये जो जितनी हमारे पास gases है ना ये ideal gases नहीं है। अब तक हमने जितने laws पढ़े हैं, जितनी theories हैं, ये सब obey करती हैं किसको, ideal gas को। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो kinetic equation भी derive की है उसके अंदर भी question था how to calculate the pressure of an ideal gas. It is mentioned that there is the pressure of an ideal gas. So then there is ideal gas. उनके दरमियान जो गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान कोलिजन होगी वो आपके पास इलास्टिक होगी, लेकिन जो हम डेली लाइफ में गैसेस यूज करते हैं हमारे पास ये इनइलास्टिक है, सॉरी दैट हमारे पास रियल गैसेस। तो जो रियल गैसेस हैं जब वो आपस में मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं उनकी लॉस ऑफ एनर्जी होती है, दैट्स व्हाई दे एग्जिस्ट द इनइलास्टिक कोलिजन। ओके अच्छा जी, अब ना हमारे पास एक और टर्म होती है दैट इज द इफेक्टिव कोलिजन एंड इनइफेक्टिव कोलिजन, वो क्या होती है? अच्छा अब आप देखें अगर हमने कोई रिएक्शन करवाना है दो डिफरेंट गैसेस का, ठीक है, तो उनके दरमियान में कोलिजन होगी, गैस के मॉलिक्यूल हम दोनों ने मिक्स कर दिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और क्लोराइड गैस है, दोनों को मिक्स किया है उन्होंने HCl बनाना है। अब हाइड्रोजन भी गैस है क्लोराइड भी गैस है, उनके गैस के मॉलिक्यूल आपस में भी कोलिजन कर रहे हैं और अब एक दूसरे के साथ भी करेंगे, कोलिजन होती रहती है। अफेक्टिव कोलिजन का क्या मतलब है, वो कोलिजन जो फ्रूटफुल होगी,
जिस कुलियन के नतीजे में प्रोडक्ट बनेगा HCl प्रोड्यूस होगा उसको हम कह देते हैं दिस इज द इफेक्टिव कुलियन। और जो फर्स्ट कुलियन होती है ये हमेशा इनफेक्टिव ही होती है, देन सेकेंड विल इंक्रीज द इफेक्टिव कुलियन। सो वट इज द डिफरेंस बिटवीन अफेक्टिव एंड नॉन अफेक्टिव कुलियन? अफेक्टिव कुलियन, after effective cullion there is the formation of the product, but in ineffective cullion there are the fruitless cullion, so there is no product formation. जैसे आप लोगों ने एक टर्म यूज करते हैं हम लोग कैटलिस्ट, कैटलिस्ट होते हैं ना, कैटलिस्ट क्या करते हैं वो डिक्रीज कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है तो क्या होता है, उससे इफेक्टिव कुलियन इंक्रीज हो जाती है, यानी कि वहां पे जल्दी कुलियन होती है। जितनी इफेक्टिव कुलियन जल्दी होगी हमारे पास प्रोडक्ट जल्दी बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये वो केस की हम बात कर रहे हैं जब गैस का मॉलिक्यूल का रिएक्शन होगा। अगर हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे सिर्फ एक सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे जो गैस के मॉलिक्यूल तो आपस में भी कोलाइड करेंगे। अगर वो कुलियन होती है तो वो इलास्टिक है, अगर नेट लॉस एनर्जी नहीं होता तो इलास्टिक है, अगर होगा तो वो इलास्टिक है। बट दिस इज ओनली फॉर द आइडियल गैसेस। व्हेन वी वर्क ऑन द रियल गैसेस, जैसे हम लेबोरेटरी में रियल गैसेस पर वर्क करते हैं, तो वहां पे जितनी भी कुलियंस है वो हमारे पास क्या है, इन इलास्टिक कुलियंस है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है दैट इज द कुलियन डायामीटर। व्हाट इज द कुलियन डायामीटर? इट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द कुलियन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिग्मा। एज यू कैन सी हियर दिस पिंक वन इज वन मॉलिक्यूल एंड दिस वन इज द अदर मॉलिक्यूल एंड दे बोथ अप्रोच टू ईच अदर फॉर कुलियन। यू नो दिस इज द सेंटर ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल, this is the center of the second molecule, so this is the closest distance between two molecule to center of the molecule, you say this is the Kuleyan diameter and it is represented by sigma. ye to Kuleyan diameter ki definition hai. अजान हो रही है, लेट्स टेक अ वेट। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है दैट इज द कुलियन नंबर एंड द कुलियन फ्रीक्वेंसी। पहले हमने डिस्कस किया है किसको, कुलियन कुलियन डायामीटर को, एंड इट इज डिफाइंड एज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ बिटवीन द सेंटर ऑफ टू मॉलिक्यूल दैट टेकिंग पार्ट इन अ कुलियन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिग्मा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द कुलियन नंबर एंड कुलियन फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज कुलियन फ्रीक्वेंसी और कुलियन नंबर? The number of cullion which a single molecule make with other molecule in 1 second. Only we are talking about single molecule makes with other molecule cullion in 1 second. यानि कि 1 second में एक molecule जितने molecule के साथ cullion करेगा, we can say that it is the cullion number. On the basis of kinetic theory of gases, it can be shown that in a gas containing n identical molecule per meter cube, ठीक है, the number of cullion which a single molecule undergoes with other molecule in 1 second, we can calculate it nc. What is nc? n for the number and c for the cullion, so nc will is equal to pi sigma square v into n. अब हमारे पास pi sigma constant है, सॉरी पाई कांस्टेंट है, सिग्मा हमारे पास कुलियन डायामीटर है, वी हमारे पास वेलोसिटी है और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल।
How you define the Coulomb number? The number of Coulomb which a single molecule make with other molecule in 1 second, and it is represented by NC. It will equal to the pi sigma square V into N. And how you define the Coulomb frequency? The number of Coulomb which take place in 1 second among molecule present in 1 meter cube of the gas. Okay, ठीक है. Molecule of the gas. ठीक है, तो वो तमाम नंबर ऑफ कुलियन जो 1 सेंटीमीटर क्यूब गैस में मॉलिक्यूल करेंगे 1 सेकेंड में, उसको हम क्या कहते हैं? कुलियन फ्रीक्वेंसी. कुलियन नंबर और कुलियन फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना. कुलियन नंबर हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ कुलियन विच अ सिंगल मॉलिक्यूल मेक विद अदर मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड. ठीक है, एंड द नंबर ऑफ कुलियन विच टेक प्लेस, जितनी कुलियन 1 सेकेंड में होंगी किसके दरमियान? गैस के तमाम मॉलिक्यूल दैट प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, और वो 1 सेकेंड में जितनी कुलियन करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? कुलियन फ्रीक्वेंसी. तो कुलियन नंबर में एक मॉलिक्यूल की देखनी है, और कुलियन फ्रीक्वेंसी में अमंग मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन जो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वो 1 सेकेंड में जितनी कुलियन करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? कुलियन फ्रीक्वेंसी. एंड हेयर इन दिस मॉलिक्यूल, दिस वन इज द वी इज द एवरेज वेलोसिटी सिग्मा डायमीटर एंड इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द सम डिस्क्रिप्शन ऑफ कुलियन नंबर फॉर्मूला. Okay, next we have to calculate mathematical expression for the Coulomb frequency. हमने Coulomb number को तो एक formula से denote कर दिया है. Now we are talking about the Coulomb frequency. So Coulomb frequency derive करने के लिए हमें थोड़ी सी derivation करना पड़ेगी. So you have to consider a particular molecule A that moving with average speed. जिसकी एक आपने molecule consider किया है, जिसको हमने नाम दिया है A molecule का, जो एवरेज स्पीड से मूव कर रहा है, दैट इज द वी, इट्स यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड इट विल ट्रेवल विद अ डिस्टेंस, और उसने जो डिस्टेंस मूव किया है वो कितना है? वी सेंटीमीटर इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में एक गैस का मॉलिक्यूल जिसकी स्पीड वी सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस उसने 1 सेकेंड में ट्रेवल किया है. ठीक है, now assuming a molecule move and all other molecules supposed to be stationary. अब आपने ये assume किया है कि जो आपके पास एक कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल मूव कर रहा है. कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? यू नो डैट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. कितना उसने ट्रेवल किया है? 20 सेंटीमीटर. कितने टाइम में वो ये कर रहा है? 1 सेकेंड में. और आपने ये अज्यूम करना है कि बाकी तमाम के मॉलिक्यूल जो है वो स्टेशनरी है. अब रियल केस में क्या है? इट इज नॉट पॉसिबल. सो वी हैव टू अज्यूम. रियल लाइफ में या रियल गैसेस में ऐसा नहीं होता, मॉलिक्यूल तो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, बट वी हैव टू अज्यूम. सो ए मॉलिक्यूल विद कोलाइड इन 1 सेकेंड विद ऑल द मॉलिक्यूल हुज सेंटर लाइ विद इन द लेंथ ऑफ द सिलेंडर 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस इक्वल टू द डायामीटर एज शोन इन द फिगर. इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि जो ए मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किया है वो कोलाइड करेगा. आपको पता है वो मूव कर रहा है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से. एक जो डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस का मतलब हुआ कि लेंथ ऑफ द कंटेनर जिसके अंदर वो बंद है उसकी लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर. ठीक है, और उसका जो रेडियस मॉलिक्यूल डायामीटर क्या है? इट इज इक्वल टू सिग्मा. इट इज मोर क्लियरली फ्रॉम दिस वन डायग्राम. आप इसको कंसिडर करें कि हमारे पास ये एक सिलेंडर है. ठीक है, इसकी जो लेंथ है या जो इसका डिस्टेंस जिसमें वो मॉलिक्यूल मूव करेगा, वो इसका जो डिस्टेंस है वो भी वी है, और जो इसकी लेंथ है वो भी हमारे पास वी है. सो गैस का एक मॉलिक्यूल हमने ए कंसिडर किया है जो इसके अंदर वी सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के हिसाब से मूव कर रहा है. ठीक है, और 1 सेकेंड में जब ये यहां से मूव करेगा इस स्पीड से, तो जितने मॉलिक्यूल इस दौरान इस लेंथ में आएंगे वो उन तमाम के साथ क्या करेगा? कोलाइड करेगा. ठीक है, डेफिनेटली आप यहाँ देखें कि एक आपके पास ए मॉलिक्यूल है, वो एक सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है. उस सिलेंडर की लेंथ कितनी है? कंसिडर कर लें वी है. अब गैस का मॉलिक्यूल है वो ए जो मूव कर रहा है,
अब वो मूव कर रहा है, उसने कितना मूव करना है, उसने पूरे सिलेंडर के अंदर मूव करना है। अब पूरे सिलेंडर में अंदर वो उन तमाम मालिक्यूल के साथ टकराएगा, ठीक है, जो उसके रास्ते में आएंगे, और उसका जो डायामीटर है वो उसके किस कंसीडर किसने किया है, उसका जो डायामीटर वो क्या होगा, सिग्मा। क्योंकि आपको पता है हम पहले ही सिग्मा पढ़ चुके हैं, सिग्मा क्या है, सिग्मा बेसिकली हमारे पास दो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल का जो सेंटर का डिस्टेंस है ना वो है, ठीक है। तब ये देखें जब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल अगर इसके दरमियान प्रेजेंट है तो वो कोलाइड करेंगे, उनके दरमियान भी तो एक रेडियस डायामीटर बनेगा, ठीक है, जो डायामीटर है दैट विल इज इक्वल टू द सिग्मा। सो यू कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हुज लेंथ इज वी सेंटीमीटर एंड रेडियस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर डायामीटर इज इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर वी। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि क्या कि एक मॉलिक्यूल है, उसने कोलाइड करना है एक सेकंड में तमाम मॉलिक्यूल में दरमियान जो कहाँ प्रेजेंट है, जो सेंटर में एक सिलेंडर में जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और उस सिलेंडर का जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, वो मॉलिक्यूल के डायामीटर के इक्वल है, ठीक है। तो आप जो यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो सिलेंडर का डायामीटर है, जो सिलेंडर का रेडियस है वो किसके इक्वल है, वो डायामीटर के इक्वल है, किसका डायामीटर, उन दो मॉलिक्यूल का जो आपस में कोलाइड करेंगे। सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, जिसकी लेंथ जो सी है वी है और जिसका रेडियस डायामीटर के इक्वल है, तो उसको वॉल्यूम को कैसे लिख दिया है, पाए सिग्मा स्क्वायर वी। पाए हमारे पास क्या है, हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है, सिग्मा स्क्वायर क्या है हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर हमारे पास डायामीटर है, और वी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेलोसिटी है, एंड इट विल इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब सपोज करें कि ये जो वॉल्यूम है सिलेंडर का, इसके अंदर एन मॉलिक्यूल जोन से है ना वो प्रेजेंट है, यानी कि एन पर सेंटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एन पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी फार्मूले में हमने एडिशन किस कर दिया, किसकी, स्मॉल एन की। ये फार्मूला हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर किसके इक्वल हो गया, उसकी लेंथ के, ठीक है, और उसके रेडियस के, जो रेडियस है सिलेंडर का वो किसके इक्वल है, रेडियस सिलेंडर का इक्वल है कोई भी जो दो मॉलिक्यूल है उनके आपस के डायामीटर का जो आपस में कोलाइड करेंगे। अज्यूम हम क्या कर रहे हैं कि एक ए मॉलिक्यूल है जो एक सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है, वो कोलाइड करेगा 1 सेकेंड में उन तमाम मॉलिक्यूल के साथ जो के सिलेंडर की लेंथ के अंदर दरमियान में आएंगे, और उस सिलेंडर के वॉल्यूम को कैलकुलेट किया है, और वो किसके इक्वल निकला है, वो इक्वल है लेंथ ऑफ द सिलेंडर एंड डायो रेडियस दैट विल इक्वल टू द डायामीटर ऑफ द मॉलिक्यूल कोलिजन सिग्मा स्क्वायर एंड वी के। नाउ सपोज करें कि ये जो सिलेंडर आपको नजर आ रहा है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, एन। सिंपली इस फॉर्मूले में एडिशन कर दिया है किसका, स्मॉल एन का। नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन एन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ कोलिजन मॉलिक्यूल एन सी इट विल इज इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर वी इंटू एन, ठीक है। ये हमारे पास एन सी, एन सी हम पहले पढ़कर आए हैं, क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन डेट अ मॉलिक्यूल मेक इन 1 सेकेंड। सो अगर एन मॉलिक्यूल ने नंबर, एन मॉलिक्यूल की कितनी नंबर ऑफ कोलिजन होंगी, दैट विल इज इक्वल टू द एन। ओके, नाउ इज इन दिस डेरिवेशन इट इज अज्यूम दैट ओनली ए मॉलिक्यूल मूव एंड अदर मॉलिक्यूल आर द स्टेशनरी, सो द रिलेटिव स्पीड ऑफ ए इज वी सेंटीमीटर पर सेकेंड, बट ऑन द एवरेज द मॉलिक्यूल मूव एट द राइट एंगल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई रिलेटिव वेलोसिटी विल बी टेकन एज अंडर रूट 2v। ये बात क्या कह रहा है, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि इस डेरिवेशन में यहाँ पे ये जो v वेलोसिटी है ये हमने अज्यूम की है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है a मॉलिक्यूल की वो क्या है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, चूंकि वो बहुत कम है। बट एट अ एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, जब वो दो मॉलिक्यूल आपस में टकराए हैं इस सिलेंडर के अंदर, तो वो क्या हुआ है, वो मॉलिक्यूल एक टकराने के बाद, कोलाइजन के बाद आपस में राइट एंगल की तरफ मूव किए हैं, तो वहां पे जो वेलोसिटी है, दिस वन वेलोसिटी यू हैव टू टेकन इट एज द अंडर रूट 2v,
अंडर रूट टू वी हम क्यों ले रहे हैं? अंडर रूट टू वी जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये कब ली जाती है? जब कोलिजन होती है, और कौन सी कोलिजन होती है? राइट एंगल कोलिजन। सो इस फॉर्मूले में ये जो आपके पास वी है इसको रिप्लेस कर दिया गया है किसके साथ? अंडर रूट टू वी के साथ। ठीक है, ये जो अंडर रूट है ये सिर्फ टू पे है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास तीन तरह की रिलेटिव वेलोसिटीज आती हैं ड्यू एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन। अगर तो बिल्कुल पैरेलल कोलिजन हो गई है वो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो वहां पे हमारे पास वी टू वी है, और अगर वो राइट एंगल पे मूव करेंगी तो अंडर रूट टू वी है। अब ये हमारे पास जो नंबर ऑफ कोलिजन का फॉर्मूला हमने यहाँ से ड्राइव किया है कि जो ए हमारे पास मॉलिक्यूल है वो सिलेंडर के अंदर कोलिजन हो रही है, वहां पे नंबर ऑफ कोलिजन हमने ड्राइव की है। इस नंबर ऑफ कोलिजन में हमारे पास जो वेलोसिटी है ऑन द एवरेज मॉलिक्यूल जो मूव कर रहे हैं कोलिजन के बाद वो राइट एंगल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है जस्ट यूज जस्ट रिप्लेस दिस वन वेलोसिटी विद the relative speed that will taken as under root 2v. तो ये जो formula है ये अब हम कैसे लिख सकते हैं? nc is equal to pi sigma square under root 2vn. simply पहले हमारे पास सिर्फ यहाँ पे vn था, अब under root 2vn आ गया। ठीक है, now in next step is hence the total number of collision which all the molecule present in 1 centimeter cube of the gas will undergo in 1 second will be n time, so the nc should be। इसका कहने का क्या मतलब है? वो कह रहा है कि जो total number of collision हो रही है which all the n molecule, जो n के n molecule जो total number of collision 1 centimeter cube of gases में दे रहे हैं एक second में, वो कितनी है? वो n है। तो ये जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई विद वन मोर एन। ये एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट प्रेजेंट इन द कंटेनर। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन दैट हैव द नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गैस अंडर गो इन 1 सेकेंड, तो वो कितने टाइम्स है? वो एन टाइम्स है। यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन दैट इज डन बाय द n molecule in 1 centimeter cube of the gas, it will is equal to the n. So what you do, you just add n multiply with this one equation. ये वाला जो point है इससे confused नहीं होना, ये थोड़ी समझने वाली बात है। पहले हमारे पास number of collision क्या है? Number of collision that a molecule make with other molecule in 1 second. ठीक है, अब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गैस में, ठीक है, वो कितने हैं? वो n है। एंड दिस n विल मेक टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड दैट विल इज इक्वल टू बी n टाइम। सो द नंबर ऑफ कोलिजन किसके इक्वल होंगी? पाई सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट टू वी एन इंटू एन। एन इंटू एन, दोनों एन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सिंपल आप कह सकते हो कि इस इक्वेशन को रीअरेंज करें अगर सिग्मा टू वी पाई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है इसको सिर्फ हम लोगों ने रीअरेंज करके लिखा है। ये सिग्मा जो अंडर रूट टू है इसको पहले लिख दिया है, वी वेलोसिटी पाई यही वाला सिग्मा स्क्वायर, और ये जो एन है एक ये वाला एन है और एक ये वाला एन है, दोनों को आपस में क्या कर दिया है? हमने कंबाइन कर दिया इन दोनों एन को। क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल दैट प्रेजेंट इन द 1 सेंटीमीटर ऑफ द क्यूब। तो हमारे पास जो एन सी है, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जो 1 सेंटीमीटर ऑफ द क्यूब ऑफ गैस पे प्रेजेंट है, वो कितनी टोटल नंबर ऑफ कोलिजन करेंगे? वहां पे कितना टोटल नंबर ऑफ कोलिजन होगा? दैट विल इज इक्वल टू अंडर रूट टू वी पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। नाउ व्हाट यू डू फर्दर, सिंस ईच कोलिजन इन्वॉल्व टू मॉलिक्यूल and number of molecular collision occur in 1 centimeter cube of the gas will 1/2 of the above number. Definitely हमें पता है कि जो एक collision होती है वो 2 molecule की वजह से होती है, ऐसे ही है। तो अगर हम collision की बात करें, एक collision हुई है वो किस वजह से? एक ये molecule है और एक ये molecule है, तो जो each collision है उसमें 2 molecule involved हैं, तो number of collision अगर हम एक molecule की consider करें तो वो क्या होगी? वो 1/2 होगी।
ठीक है, सो यू जस्ट पुट द हाफ इन द नंबर ऑफ कोलिजन दैट विल इज इक्वल टू 1/2। ये क्या है, ऐसे ही बात है कि जैसे दो मॉलिक्यूल आपस में जब कोलाइड, एक कोलिजन कब होती है जब दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, तो वो एक नंबर ऑफ कोलिजन होती है। अगर हम ईच नंबर के हिसाब से उसको देखेंगे दैट विल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द अबव नंबर, सो यू जस्ट पुट हाफ इन दिस वन फॉर्मूला दैट विल इक्वल टू नंबर ऑफ कोलिजन। After this one, by solving this mathematical expression, we will get this equation. अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है कि ये हमारे पास जो इक्वेशन है को जब हमने सॉल्व किया है तो ये हमारे पास आ गया 1/√2 √2 × 2 / 2v5। ये कैसे आया है, ठीक है? अच्छा जी, ये हमारे पास कैसे आया है इसको हम जरा देख लेते हैं। जो बच्चे मैथ्स के रिलेट करते हैं या जिन्होंने मैथ पढ़ा है उनको तो ये इजीली एक्सप्लेन होगा, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ा इट्स ओके, हम उसको देख लेते हैं। हमारे पास ये देखें, जो हमारे पास अकेला टू होता है ना मैथमेटिकल में, जो अकेला टू है इसको हम लोग यूं लिख सकते हैं, इट विल इज इक्वल टू √2 × √2। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और ये मैंने इसी इक्वेशन में इसको ऐसे लिखा भी है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे कि ऐसा क्यों है, तो चलें उनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि ऐसा क्यों है। ये देखें, इक्वल करें, अगर अंडर रूट टू है तो इसको मैं यूं भी लिख सकती हूँ कि अंडर रूट टू इसकी पावर क्या लिख दूं, हाफ। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये टू है और इसकी पावर कितनी है, हाफ। इसको फर्दर सॉल्व करें, देखें दोनों की बेस सेम है, जब बेस सेम होती है तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक बार लिखते हैं और पावर्स को क्या कर देते हैं, हम लोग ऐड कर देते हैं। तो पावर्स ऐड कर दें, वो क्या आएगा आपके पास, 1/2 + 1/2 + 1/2, इनका एलसीएम लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2। तो ये हमारे पास 2 2 2 = 1 2 2 से कट जाएगा तो बाकी रह जाएगा 1। सो 1 को 2 को 1 के साथ इक्वल करें तो वो क्या इक्वल आ जाएगा, 2। सो 2 इज इक्वल टू 2। ये यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं उनको तो ये इजिली क्लियर हो गया होगा, लेकिन जो बच्चे जूलॉजी बॉटनी से बिलोंग करते हैं उनके लिए है कि जो हमारे पास सिंपल 2 है ना, इसको हम लोग √2 √2 की तौर पे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे इस इक्वेशन में हमने ऐसे ही लिखा है। क्वेश्चन है कि हम इसको ऐसा क्यों लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पे एक छोटी सी डेरिवेशन है कि 2 को इसलिए √2 को 1/2 / 1/2 भी लिख सकते हैं, और जब दो पावर सेम, जब दो जब हमारे पास बेस सेम होती हैं तो उनकी पावर को हम आपस में एड अप कर लेते हैं। यहाँ पे 1/2 + 1/2 है, इसका आप अगर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 = 2, ऊपर भी 2 आ जाएगा, एलसीएम भी 2 है, 2 2 से कट जाएगा तो बाकी रह जाएगा 1। तो 2 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें वो 1 ही रहेगा, सो 2 इज इक्वल टू 2। ये वाला जो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है वो हमने इस इक्वेशन पे अप्लाई करके ये किया है। इस इक्वेशन में अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, 1 √2 1 √2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, सो व्हाट द रिमेनिंग रिजल्ट इज 1/2 · v/σ² n² एंड व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द कुलियन फ्रीक्वेंसी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, दिस इज नोन एज द कुलियन फ्रीक्वेंसी। हम लोग बात कर रहे थे किसकी, कुलियन फ्रीक्वेंसी एंड कुलियन नंबर की। सो व्हाट इज द कुलियन नंबर, कुलियन नंबर इज द नंबर ऑफ कुलियन व्हिच मॉलिक्यूल मेक विद अदर मॉलिक्यूल इन 1 सेकंड। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज कुलियन नंबर। और कुलियन नंबर का फॉर्मूला क्या है, एन इज इक्वल टू π σ² दैट इज द डायामीटर, वी वेलोसिटी एंड एन इज द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। बट हाउ यू डिफाइन द कुलियन फ्रीक्वेंसी, कुलियन फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कुलियन व्हिच टेक प्लेस इन 1 सेकंड अमंग द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 cm³ ऑफ द गैस। ठीक है, जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, अब हमने यहाँ पे सपोज किया था कि n मॉलिक्यूल प्रेजेंट है 1 cm³ ऑफ द गैस में, तो n मॉलिक्यूल जितनी कुलियन करेंगे 1 सेकंड में जो प्रेजेंट है 1 cm³ ऑफ द गैस, दैट विल इज इक्वल टू द कुलियन फ्रीक्वेंसी।
और कुलियन फ्रीक्वेंसी को ड्राइव करने के लिए हमने बकायदा एक डेरिवेशन की थी, ठीक है, जिसमें हमने अज्यूम किया था कि एक ए पार्टिकल है जो वी सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से वी सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 सेकंड में, और तमाम तमाम जो बाकी मालिक्यूल है वो हमारे पास स्टेशनरी है। तो वो जो ए मालिक्यूल है जब वो कोलाइड करता है तो जो नंबर ऑफ कुलियन है उस वक्त वो हमारे पास कितनी है, दैट विल इज इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर वी एन, और ये हमारे पास नंबर ऑफ कुलियन है। सो एज यू नो दैट नंबर ऑफ कुलियन इज इक्वल टू द एन सी, तो दिस इज द नंबर ऑफ कुलियन दैट मेक द मालिक्यूल इन 1 सेकेंड। नेक्स्ट हमने क्या किया है, हमने ये ज्यूम किया है कि वो जो कुलियन मालिक्यूल्स की हो रही है ए मालिक्यूल की, वो कौन से कुलियन है, वो राइट एंगल कुलियन है। राइट एंगल कुलियन में क्या किया, सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी की जगह 2πv को इनकॉर्पोरेट कर दिया है नंबर ऑफ कुलियन फ्रीक्वेंसी के फार्मूला में। इसको इनकॉर्पोरेट करने के बाद हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया है और हमने यहाँ पे ज्यूम किया है कि जो टोटल नंबर ऑफ कुलियन है वो 1 सेंटीमीटर एन मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ द गैस, वो कितनी कुलियन, कितने टाइम्स कुलियन करेंगे 1 सेकेंड में, इट विल इज इक्वल टू एन टाइम। सो दैट्स व्हाई देयर इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एन, एन मीन इट इज द एन टाइम्स, आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास फर्दर एक इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को हम लोगों ने फर्दर सॉल्व किया है जिसमें हमें पता है कि जो ईच कुलियन है उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, सो द नंबर ऑफ कुलियन अकरिंग इन 1 सेंटीमीटर ऑफ द गैस विल बी द हाफ ऑफ द अबव नंबर, यू जस्ट इनकॉर्पोरेट हियर द हाफ एंड आफ्टर सॉल्विंग देयर इज द लिटिल मैथमेशन जिसमें जो हमारे पास 1/2 में जो 2 है डिनोमिनेटर में, इसको हम लिख सकते हैं √2/√2। ये कैसे आया है, ये आपको हमने यहाँ पे डेरिवेशन देखी है, 2 से कट गया और बाकी थिंग जो हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई है। अब ये जो नंबर ऑफ कुलियन है, ये कौन से नंबर ऑफ कुलियन है, दैट टेक द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गैस इन 1 सेकेंड एंड दिस इज नोन एज द कुलियन फ्रीक्वेंसी। यही बात है, कुलियन फ्रीक्वेंसी और कुलियन नंबर में क्या फर्क है, कुलियन नंबर द नंबर ऑफ कुलियन दैट मेकिंग 1 मॉलिक्यूल विद अदर इन 1 सेकेंड, बट द नंबर ऑफ कुलियन दैट मेक द मॉलिक्यूल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गैस इन 1 सेकेंड, इट इज नोन एज कुलियन फ्रीक्वेंसी। कुलियन फ्रीक्वेंसी को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और कुलियन नंबर को हम एन सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमने आगे काइनेटिक इक्वेशन है, काइनेटिक इक्वेशन में हमारे पास जो एनर्जी, जो हमारे पास वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, 8RT/πm के, इसका अंडर रूट है, अगर मैं अंडर रूट को खत्म करूं मैं इसको 1/2 भी लिख सकती हूँ। हमारे पास ये जो कुलियन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वी वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के अंदर हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी है। ये वही फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है कुलियन फ्रीक्वेंसी का, इसके अंदर हमारे पास एक वी है दैट इज द वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी के अंदर आपने 8RT/πm, इसको हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं और 1/2 भी लिख सकते हैं, बोथ आर द सेम, हमने सिर्फ यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। नेक्स्ट हमने इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व किया है, अब हमने इसको कैसे फर्दर सॉल्व किया है, यहाँ पे अभी थोड़ी सी मैथमेटिक इक्वेशन है। देखिए हमारे पास है 8RT, ठीक है, 8RT/πm, 8RT है और हमारे पास है πm। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारे पास था ना 8RT, अगर मैं इक्वेशन को कुछ यूं लिखूं, ये भी थोड़ा सा मैथमेटिक्स है तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने जरा ध्यान से समझ लेना है। ये हमारे पास पाई एम है और इसके ऊपर हमारे पास या तो अंडर रूट होता है या 1/2 होता है। अब ये जो 8 है ना, इसको मैंने इस फैक्टर से सेपरेट आउट करके मैंने लिख दिया है, क्या लिखा है, 4/2 का अंडर रूट, ठीक है, तो ये बात वही बन जाएगी। देखो 4 × 2 = 8, 8 का अंडर रूट बाद एट द एंड चीज वही निकल जाएगी, इस 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो एज अ रिजल्ट यही निकल जाएगा। अच्छा, अगेन यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, अगेन हम लोगों ने यहाँ पे ये जो हमारे पास यहाँ पे पाई की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है इसके ऊपर भी हमने थोड़ी सी मैथमेटिक्स अप्लाई की है, और वो कौन सी मैथमेटिक्स अप्लाई किया, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी
कि हम लोगों ने इसको उस पे भी अप्लाई किया है, जो टू पे सेम वो यहाँ पे भी वही अप्लाई किया है। अब देखें यहाँ पे पाई है, ठीक है, आप यही कंसिडर कर लें कि अगर आपके पास पाई है और इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये खाली पाई है, तो आप इसको लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इसको? आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बल्कि यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि अंडरस्टैंड करना आसान होगा। पाई का अंडर रूट, ठीक है, एंड इट विल मल्टीप्लाई विद पाई अंडर रूट। यानी कि हम एक सिंपली जो पाई लिखा हुआ है ना, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये क्यों लिख सकते हैं? ये अभी पीछे भी थोड़ा हमने मैथमेटिक डिस्कस किया है। इसी तरह है, इसको अगर हम वो जैसे सेम हमने टू का जो था उसको किया है, दिस वन इक्वेशन बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बस फर्क क्या है, अब यहाँ पे पाई है, पाई का अंडर रूट, पाई का अंडर रूट, उन अंडर रूट की 1/2 का पावर के हिसाब से सॉल्व करें, सो पाई इज इक्वल टू द पाई। सेम मैथमेटिक्स हमने यहाँ पे एक, यहाँ पे ये अप्लाई की है, ठीक है, और दूसरा हमने यहाँ पे जो एक अप्लाई किया है वो क्या है, ये जो 8RT है ना, यहाँ पे जो R मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हमने थोड़ा सा खोल के 4/2 अंडर रूट ले लिया, ओके, बाकी सारा चीज ऐसे ही है। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास 8RT ओवर पाई एम है, ये मेरे पास पाई है, ठीक है, और इसकी पावर है 1/2। आपको पता है अंडर रूट किसके इक्वल है, इट विल इज इक्वल टू पावर 1/2। तो आप ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो एक पाई है, एक पाई किससे कट जाएगा, इस पाई से। ये क्यों कटा है, एक के ऊपर अंडर रूट है, एक के ऊपर 1/2 है, ये इस होल के ऊपर है ना पावर, इसका मतलब है इन सब पे है, तो वो आपस में कट गया, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे 4√2 है, ये वाला अंडर रूट 2 इस वाले अंडर रूट 2 से कट जाता है, ठीक है, और 2 4 का अंडर रूट लिया तो हमारे पास क्या आ गया, दैट विल इज इक्वल टू 2। आप इस इक्वेशन को सिंपलीफाई किया तो हमारे पास क्या बचा है, 2 सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर इनटू पाई आर टी ओवर एन, एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द कुलियन फ्रीक्वेंसी। इस इक्वेशन से भी हम कुलियन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अगर आपको पूछा जाता है कि व्हेन यू हैव टू इनकॉर्पोरेट द एवरेज एनर्जी, तो एवरेज एनर्जी की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन है, दैट विल इज इक्वल टू दिस वन। अब ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है, अगर आप इसको देखें, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका ये जो जी है, कुलियन फ्रीक्वेंसी, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये हमारे पास कुलियन डायामीटर के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, टेम्परेचर के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके हैं, मैस के। तो ये इसके रिजल्ट है जो आपको इक्वेशन देख के ही फोरम से पता चल जाएगा। ये इक्वेशन कैसे आई है, ये आप लोगों को फिर से पता है, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमारे पास 8RT अंडर रूट था, उसको हमने सिंपलीफाई करके 4/2 अंडर रूट लिख दिया है, और जो पाई है इसको भी हमने मैथमेटिक अप्लाई किया, कुछ कटिंग वगैरह की है, और सिंपलीफाई करके फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, दिस फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द कुलियन फ्रीक्वेंसी। एंड कुलियन फ्रीक्वेंसी में जो रिजल्ट है, इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर, इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड प्रेशर। अच्छा, यहाँ पे हमने चीज लिखी है प्रेशर, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन पी इज इक्वल टू एन के। तो जितना आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे उतना प्रेशर भी बढ़ेगा, बट इट विल इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। और ये जो तमाम रिजल्ट हैं, ये इस इक्वेशन से भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट में जो चीज हमने पढ़नी है, दैट इज द मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिफोर कुलियन इन टर्म्स ऑफ द फ्री पाथ। कंसीडर करें आपके सामने एक इक्वेशन है, यहाँ पे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है पिंक कलर का, इसने ग्रीन के साथ कुलियन कर दी है, तो बिफोर कुलियन इसने ये जो फासला तय करना है, ये जो डिस्टेंस तय करना है ना यहाँ तक, ये हमारे पास क्या है, इट इज द फ्री पाथ, इट इज द फ्री पाथ, नॉट द मीन फ्री पाथ। व्हाट इज फ्री पाथ, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिफोर कुलियन इज टर्म एज द फ्री पाथ, एंड द फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल राइजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये टाइम टू टाइम वेरी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। द मीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कुलियन, इट इज टर्म्ड एज द मीन फ्री पाथ एंड इट इज डिनोटेड बाय द लैम्डा।
तो मीन फ्री पाथ क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ कुलियन पर सेकेंड। हमारे पास फ्री पाथ क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मॉलिक्यूल बिफोर कुलियन। एंड व्हाट इज द मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ मीन डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कुलियन। दो सक्सेसिव कुलियन के दरमियान जो मीन डिस्टेंस एक मॉलिक्यूल ट्रेवल करेगा उसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ के, और इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, एंड इट विल इक्वल टू द मीन डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ कुलियन पर सेकेंड। ये फार्मूला हमें यही बता रहा है कि एक मॉलिक्यूल दो सक्सेसिव कुलियन के दरमियान जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ, एंड इट विल डिनोटेड बाय द लैम्डा। और इसको हम मैथमेटिकली जो एक्सप्रेस करते हैं वो लैम्डा से करते हैं, इट विल इज इक्वल टू द वी डिवाइडेड बाय एन सी, वेयर वी इज द वेलोसिटी पर सेकेंड एंड एन सी इट इज द नंबर ऑफ कुलियन। सो लैम्डा को अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें, इसका फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू एन सी, और एन सी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कुलियन है, दिया है, चलो ठीक है, ओके ठीक है, सुबह स्लाइड्स प्रिपेयर करके आइएगा, ओके। एंड एन सी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द कुलियन एंड इट विल इक्वल टू द पाई सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट टू वी एन। और ये नंबर ऑफ कुलियन हमने कहाँ से ड्राइव की थी, व्हेन वी ड्राइव द कुलियन फ्रीक्वेंसी, तो ये फार्मूला हम लोगों ने वहां से ड्राइव किया था। अब आप इस लैम्डा के अंदर क्या कर सकते हैं, एन सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू पाए सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट टू वी एन, सिंपली हमने यहाँ पे यही पुट की है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया है, हमारे पास ठीक है, इसको हमने पुट किया है v इज इक्वल टू लैम्डा टू, v इज द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 का अंडर रूट पाए सिग्मा स्क्वायर वी एन, ठीक है। और ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, वेट अ सेकेंड, v स्क्वायर, यहाँ पे हमने v को कटिंग की है, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, आई जस्ट चेक, दिस वन इज द वी स्क्वायर लैम्डा वी स्क्वायर एन स्क्वायर दिस वन, अच्छा तो यहाँ पे जो हमारे पास है मीन फ्री पाथ, सो मीन फ्री पाथ वी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एन सी, वहां पे हमने एन सी की वैल्यू पुट किया, दैट इज इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर टू ओवर वी एन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे भी वेलोसिटी है और इसके ऊपर भी वेलोसिटी है, बट इन दिस एक्सप्रेशन वन ऑफ द वेलोसिटी विल बी कैंसल्ड आउट, वेट अ सेकेंड आई विल चेक क्यों कैंसल हुई है, ओके देयर इज, यहाँ पे भी वेलोसिटी है, यहाँ पे भी वेलोसिटी है, तो ये दोनों वेलोसिटीज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ना वन ओवर वन बाई टू लैम्डा पाए सिग्मा स्क्वायर एन है, एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेकनली वी लिखा गया, बट एक्चुअली में क्या है, ये जो वी है यहाँ पे इस वी के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो लैम्डा लैम्डा विल इक्वल टू द वन बाय अंडर रूट टू पाए सिग्मा स्क्वायर एन, एंड दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द मीन फ्री पाथ। अब मीन फ्री पाथ के भी कुछ कंक्लूजन हैं, वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मीन फ्री पाथ इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के,
अगर वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शन है डेफिनेटली इट विल रिप्रेजेंट द प्रेशर. इसके अलावा वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ द विच वन स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द डायामीटर ऑफ द मॉलिक्यूलर जो हमारे पास ये जो कुलियन डायामीटर है इसके भी इनवर्सली प्रोपोर्शन है और मीन फ्री डिपार्ट इंडिपेंडेंट अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. यहाँ पे ये जो मेन बात है वो क्या है कि ये इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी के. तो इंडिपेंडेंट वेलोसिटी के क्यों इक्वल है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं. यहाँ पे मिस्टेकनली आई जस्ट डिड नॉट रिमूव हियर द वी. जब आप लोगों ने मीन फ्री पाथ में एनसी की वैल्यू पुट की है तो हमारे पास ये जो वेलोसिटी है ये क्या है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी. इस ये वेलोसिटी यहाँ से कट की तो यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं आएगी. इनफैक्ट यहाँ पे वन आ जाएगा. तो यहाँ पे ये जो फाइनल एक्सप्रेशन है मीन फ्री पाथ का ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये यहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मीन फ्री पाथ इनवर्सली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस का इनवर्सली प्रोपोर्शन है कोलिजन डायामीटर का बट मीन फ्री पाथ इज इंडिपेंडेंट अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. ठीक है तो ये हमारे थे यहाँ पे इसके कंक्लूजन थे. दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. इसमें हमने डिस्क्राइब किया है किसको कुलियन को मॉलिक्यूलर कुलियन को मॉलिक्यूलर डायामीटर को. देन वी टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूलर कुलियन मॉलिक्यूलर डायामीटर कुलियन नंबर कुलियन फ्रीक्वेंसी एंड एंड इज द मीन फ्री पाथ. तो इन सब के जो फार्मूलाज हैं इनको आप लोगों ने अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना है क्योंकि अगर कोई आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है यू जस्ट पुट द फॉर्मूला वैल्यूज आपको गिवन होंगी और आपको इसका आंसर पता चल जाएगा. ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर.